गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइसोमेरेज में एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें बात करने जा रहे हैं। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरेज, आयोनाइजेशन आइसोमेरेज। दिस टाइप ऑफ आइसोमर डिवलप ड्यू टू व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। सबसे पहले ये दोनों आपको देखना होगा जो आइसोमर है कि नहीं। जैसे ही आइसोमर कहा जाए तो सबसे पहला काम करें जो दोनों का जो अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ एटम है, एटोमिसिटी है, ये देखना होता है। तो प्लेटिनम प्लेटिनम, SO4 SO4, NH3 4 NH4 OH2 OH2, तो निश्चित रूप से ये आइसोमर है। अब सवाल है जो जैसे ही हम लोगों को आयोनाइजेशन आइसोमर कहा जाए तो ये देखना होता है जो दोनों का दोनों कंपाउंड जो है डिफरेंट आयन दे रहा है सॉल्यूशन में कि नहीं। तो यहाँ जैसे ही इसको डिजॉल्व किया जाए तो देख रहे हैं जो सल्फेट दे रहा है और ये हाइड्रोक्साइड दे रहा है, इसलिए ये आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर है। हम लोग पहचानने के लिए दूसरा तरीका भी सोचेंगे। देखिए, यानी ये जो SO4 है ये तो आयोनाइजेशन स्फीयर में है, लेकिन दूसरे कंपाउंड में यही SO4 चला गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो हम कह सकते हैं जो आइसोमर डिवलप ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयोनिक लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। हम दूसरे तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो आइसोमर्स व्हिच इज डेवलप ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। समझ गए? तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। फिर से एक बात समझें, हम इस दोनों को क्या कहने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। II सिंबल दे दिए हैं, कोई IUPAC वैल्यू सिंबल नहीं है। तो हम इस दोनों में सबसे पहले लिगेंड सेंट्रल एटम देखेंगे। दोनों को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद अलग अलग आयन दे रहा है, इसीलिए आयोनाइजेशन आइसोमर है। या यूं कहेंगे जो आयन पहले आयोनाइजेशन स्फीयर में था, दूसरे में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया, इसलिए ये आपस में एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो देखें आप हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज। इट इज डेवलप ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। यहाँ पे देखें जो वाटर मॉलिक्यूल 6 है और ये तो जानते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। यदि इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल एक निकाल दें और एक Cl को अंदर ला लें तो अब हो जाएगा Cl2 और H2O, और भी निकाला जा सकता है H2O और यहाँ 4 कर दें तो Cl2, अब यहाँ Cl2H2O। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो अब फर्दर यदि वाटर
यानी ये हटा दे तो केवल वाटर ही रह जाएगा, तो ये आपस में सभी का सभी हाइड्रेट आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हो गया बात? जो इट इज डेवलप ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है के बीच वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 हो गया, ये 6 तो एक निकल गया, तो यहाँ लेकिन ध्यान रहे जो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यों का त्यों है। देखिए आप यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें, तो देखें आप लिंकेज आइसोमर या लिंकेज आइसोमेरिज इट इज डेवलप ड्यू टू इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? अदला बदली, इंटरचेंज ऑफ डोनर एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो ये जो NH3, NO2, तो NO2 तो यहाँ एम्बिडेंट लिगेंड है, तो यहाँ नाइट्रोजन इस कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो डोनर एटम नाइट्रोजन है। देखिए NO2 है, यहाँ भी NO2 है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग दिखाया गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है डोनर एटम। तो ये जो NO2 जो है ये काम करता है कैसा लिगेंड की तरह से, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड। और ये मैंने टाइप्स ऑफ लिगेंड में बहुत अच्छा से समझा रखा है आप लोगों को जो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या है और इसका एग्जांपल क्या होता है। तो यहाँ पे देखें जो एक कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन डोनर एटम है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो इस तरह से ये आपस में ये आइसोमर है, आपस में क्या है आइसोमर है, लेकिन डोनर एटम चेंज हो जाने के कारण ये किस नाम से जाना जाता है, तो लिंकेज आइसोमर के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया आयोनाइजेशन आइसोमर क्या कहेंगे, डिफरेंट आयन प्रोड्यूस के कारण हुआ। हाइड्रेट आइसोमर किस नाम से जानेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इन चेंज के इंटरचेंज के कारण। फिर लिंकेज तो ड्यू टू एम्बिडेंटेट लिगेंड के कारण, हम नोट में लिख देते हैं इसको, जो आइसोमर आइसोमर डेवलप डेवलप ड्यू टू एम्बिडेंटेट लिगेंड। और ये एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन है, तो CN- SCN- NO2- NCO- ETC को आइसोमर डेवलप ड्यू टू एम्बिडेंटेट लिगेंड कॉल्ड लिंकेज आइसोमर। उसको हम किस नाम से जानेंगे, लिंकेज आइसोमर के नाम से जानेंगे। समझ गए? तो अगेन आप लोग वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी एक वैसा आइसोमर जो डेवलप होता हो किसके कारण, तो इंटरचेंज बिटवीन लिगेंड के कारण डेवलप होता हो। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, जो प्लैटिनम के साथ अमोनिया है और कॉपर के साथ क्लोरीन है, लेकिन दूसरा में देखें जो इंटरचेंज हो गया है, कॉपर के साथ कौन आ गया है अमोनिया और प्लैटिनम के साथ कौन आ गया है क्लोरीन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। और यदि इस तरह से आपस में इंटरचेंज हो रहा है तो ये किस नाम से जाना जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज के नाम से जाना जाएगा। तो मेनली आपको समझाए थे जो
हाइड्रेट, लिंकेज और आयोनाइजेशन ही है। इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा बता दिए, न कभी आज तक पूछा गया, और इसके अलावा भी और भी है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगेन हम अगले रोज बात करेंगे आपके साथ, कौन सा आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर फिर एक क्लास ज्योमेट्रिकल लेंगे और एक क्लास आपको ऑप्टिकल, यानी जल्दी ही आपका कोऑर्डिनेशन फिनिश्ड होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग पेशेंस होकर के नोट करें। जय हिंद।